हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इको मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं डिवीज़न, और डिवीज़न के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक ट्रिक। उस ट्रिक का यूज़ करके हम किसी भी डिवीज़न के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहला नंबर लिया हुआ है आपके सामने 108, और इसमें मुझे डिवाइड करना है 9 से। यहाँ मैंने 9 की टेबल भी आपको दिखा दी है आपकी हेल्प के लिए। अगर आपको 9 की टेबल नहीं आती है तो आप फिलहाल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 9 की टेबल लर्न कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले डिवाइज़र। जब भी किसी क्वेश्चन में हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिवाइज़र क्या होता है। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ पर 9 जो है, 9 डिवीज़न के साइन के बाद लिखा हुआ है 9, इट मीन्स 9 यहाँ पे डिवाइज़र है। 9 यहाँ पे डिवाइज़र है तो मैं यहाँ पे 9 लिख सकती हूँ, क्या हमें 9 से डिवाइड करना है, इसलिए 9 यहाँ पर डिवाइज़र है। नेक्स्ट है 108। 108 यहाँ पे क्या है, जिस नंबर में भी हम डिवाइड करते हैं वो नंबर हमेशा हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड। तो हम डिविडेंड की प्लेस पर लिख सकते हैं 108, क्योंकि इस नंबर में हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइज़र क्या होता है, जिससे डिवाइड करते हैं 9, और जिस में डिवाइड करते हैं वो है 108। अब हमें फाइंड करना है कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो बच्चों, कोशेंट एंड रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको डिवीज़न की ट्रिक सिखा रही हूँ, जिसकी हेल्प कर लेके हम डिवाइड करना सीख डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 108 को, डिविडेंड को ऐसे लिखा, और ये डिवाइड का एक सिंबल होता है, इसको लगा दिया। जिससे डिवाइड करते हैं उस नंबर को मैंने बाहर लिख दिया। अब 9 से मुझे 108 में डिवाइड करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले 9 का टेबल रीड करूँगी। तो देखो, 9 वन जा 9 होता है, 9 टू जा 18। अब ये जो 18 नंबर है, ये जो नंबर है ये इस नंबर से बड़ा है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 108 में अगर हमें डिवाइड करना है तो क्या हम 1 में डिवाइड करेंगे या हम 10 में डिवाइड करेंगे। तो बच्चों, 9 अगर डिवाइज़र है तो यहाँ पे अगर 3 डिजिट के नंबर में हमें डिवाइड करना है तो हम 9 से बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है, 9 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो 1 जो है, पहला नंबर जो है 1, ये जो नंबर, तो ये तो 9 से छोटा है तो इसे हम नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे, हम पूरा 10 ले लेंगे, हम पूरे 10 में 9 से डिवाइड करेंगे। फिर 9 का टेबल रीड करके देखते हैं, 9 वन जा 9 होता है, 9 टू जा 18 होता है। 18 जो नंबर है वो 10 से बड़ा है, इसलिए इसे हम नहीं लेते हैं, इसे हम नहीं लेंगे। तो जो नंबर 10 से छोटा है उसे ले लेते। तो यहाँ पे ये जो 1 है, ये जो 1 है हमारा, ये हमारा 1 हमारा कोशेंट बन जाता है, और यहाँ पर हम पहले 1 लिख देते हैं। बट ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पूरा क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। अब इस 1 में हम इस 9 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 वन जा 9, तो हम यहाँ पे 9 को लिख देंगे, इस 10 के नीचे 9 को लिख देंगे, और इसको माइनस करते हैं हमेशा। अब 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1 लेफ्ट बचा। ये जो 8 होता है इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, आ जाएगा 8 यहाँ पे। अब देखो बच्चों, यहाँ 9 आपका डिवाइज़र है, अब आपका डिविडेंड क्या हो गया, 108 ना होके 18 हो गया। अब मेरा डिविडेंड क्या है, 18 है, मुझे 9 से 18 में डिवाइड करना है। पहले 108 था, अब 18 हो गया। 9 से 18 में डिवाइड करने के लिए मुझे 9 का फिर से टेबल रीड करना होगा। 9 वन जा 9 होता है, 9 टू जा 18 होता है, एंड 9 थ्री जा 27। अब देखो बच्चों, ये 27 जो है ये तो 18 से बड़ा है ना, ये जो डिविडेंड है हमें 18 ही लेना है। तो हमारा ये जो 27 नंबर है इससे बड़ा है, इसे नहीं लेंगे। तो हमारा अब कोशेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोशेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9 टू जा, जिसकी वैल्यू है 18, तो इस 2 को हम कोशेंट में डाल देंगे, ठीक है। अब फिर से हम 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 18, हम यहाँ पे 18 लिख देंगे, इसको माइनस करेंगे, 18 में से 18 गया, 0 बचा।
तो अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि क्या हमारा डिवाइजर क्या है, क्वेश्चेंट क्या है, डिविडेंड क्या है और रिमाइंडर क्या है। डिवीजन में यही चार चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, किस में डिवाइड कर रहे हैं, 108 में डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चेंट क्या आएगा, क्वेश्चेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा 12। ये जो है ये आपका क्वेश्चेंट है, ये आपका क्वेश्चेंट है, ये 12 आपका क्यू बन गया, क्वेश्चेंट बन गया, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है, ये 0 जो लास्ट में बचा है ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ट्रिक बहुत आसान लगेगा, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम अलग अलग क्वेश्चन को लेके इसी ट्रिक को अप्लाई करके देखेंगे और आपकी प्रैक्टिस इससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिवीज़न के क्वेश्चन सीखते रहिए। ओके, बाय बाय।